This is coronavirus COVID-19 update. प्रोविंशियल हेल्थ ऑफिसर ने आज दस्या है कि BC तो COVID-19 दे 21 नवे केसेस सामने आए हैं अते एक होर मौत भी दर्ज हो गई। BC विच इस वेले COVID-19 दे 355 एक्टिव मामले हैं। डॉक्टर बॉनी हेनरी ने यह भी कहा कि आंदे मंगलवार तो बिजनेसेस दोबारा तक खुलन जा रहे हैं पर सख्त दिशा निर्देश लागू रहेंगे। डॉक्टर बॉनी हेनरी ने एबट्सफर्ड रीजनल हॉस्पिटल विच आउटब्रेक बारे भी जानकारी दी। BC नर्सेज यूनियन ने दुख प्रगटाया है कि एबट्सफर्ड रीजनल हॉस्पिटल विच COVID-19 आउटब्रेक का शिकार हेल्थ वर्कर्स भी हुए हैं। BC नर्सेज यूनियन प्रेजिडेंट क्रिस्टीन सोरेंसन मुताबिक 6 हेल्थ केयर वर्कर्स COVID-19 ले पॉजिटिव टेस्ट हो गए जिन्हां विचों 4 ICU नर्सेज हैं। कल BC सरकार वालों स्कूल दोबारा खोले जाने का ऐलान किए जाने के मद्देनजर सरी स्कूल सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि स्कूल विच वापस आने संबंधी विद्यार्थियों ते किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। जॉर्डन टिने ने याद करवाया है कि किंडरगार्टन तो लैके ग्रेड 5 तक के विद्यार्थी पहला के मुकाबले 50% समय ले स्कूल विच आ सकते हैं जबकि ग्रेड 6 तो लैके 12 के विद्यार्थी हफ्ते विच केवल एक दिन ही स्कूल जा सकते हैं। असेंशियल सर्विसेज वर्कर्स के बच्चों लिए चाइल्ड केयर सर्विसेज पहला वांग ही बहाल रहनगियां। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आज देशवासियों नु संबोधन करदियां दस्या कि मुमकिन COVID-19 खिलाफ वैक्सीन दी पहली क्लिनिकल ट्रायल नु हेल्थ कैनेडा ने मंजूरी दे दित्ती है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मुताबिक ये ट्रायल्स हैलिफैक्स विखे डलहाउजी यूनिवर्सिटी दे सेंटर ऑफ वैक्सीनोलॉजी विखे करवाईयां जाणगियां। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भावें अज वचनबद्धता प्रगटाई कि हर मुमकिन हीला कीता जा रहा है कि वड्डे इंप्लॉयज जिवें कि एयरलाइंस नू हर संभव मदद दित्ती जावेगी पर एयर कैनेडा ने अगले महीने घट्टो घट 20,000 कर्मचारियों नू ले ऑफ करन दी योजना घड़ लई है। कल ही फेडरल सरकार ने वेज सबसिडी प्रोग्राम दे विस्तार दा ऐलान कीता सी। फेडरल सरकार वल्लों COVID-19 महामारी समय वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रेटजी इकोसिस्टम फंड तहत वुमेन एंटरप्रेन्योर्स दे लई वाधू $15 मिलियन दी फंडिंग दा ऐलान कीता गया। इस योजना दा टीचा 2025 तक वुमेन ओन बिजनेसेस दा अंकड़ा दुगना करना है। इस लॉन्ग वीकेंड नू अक्सर कॉटेज सीजन अते आउटडोर एक्टिविटीज दा संकेत मन्या जांदा है पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टी फ्रीलैंड ने अपील कीती है कि अर्थव्यवस्था दे दरवाजे भावें मुड़ खुल रहे हन पर वड्डे इकट्ठ इत्थों तक कि वड्डियां बैकयार्ड गैदरिंग्स दी इजाजत नहीं। फेडरल सरकार ने रेड क्रॉस नू $100 मिलियन दी फंडिंग दित्ते जाण बारे अज ऐलान कीता ताकि लोड़वंद लोकां तक समय सिर मदद पहुंचाना संभव रहे। Amazon ने कह दिता है कि कैनेडियन वेयरहाउसेज विच COVID-19 दे समय कर्मचारियों नू दित्ते जा रहे $2 प्रति घंटे दे हिसाब नाल इंसेंटिव नू इस महीने दे अंत विच खत्म कीता जावेगा। पहला Amazon ने पे इंसेंटिव अप्रैल महीने ही मुका देने सन पर कंपनी ने US अते कैनेडा विच इस योजना दा विस्तार 30 मई तक करन दा फैसला कीता। शनिचरवार शामी अपने फेसबुक पेज तो लोकां दे सवालां दे जवाब दिंदियां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब वासियां नू भरोसा दवाउण दी कोशिश कीती कि देश विच चौथे गेड दा लॉकडाउन 18 मई तो शुरू होवेगा पर ओह 18 मई नू कर्फ्यू खत्म कर देणगे। लॉकडाउन 31 मई तक निरंतर जारी रहेगा।